समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पाठक। पहले नजर डालेंगे टीकमगढ़ की खास खबर पर। कटरा बाजार में स्थित कटरा नरेश श्री गणेश महाराज के मंदिर के लिए निर्माणाधीन मार्केट से पहले रास्ता छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह रास्ता बंद किया जा रहा है। जब श्रद्धालुओं ने इसके लिए रोक टोक की तो बताया गया कि ठेकेदार के सहकर्मियों द्वारा उनके साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके विरोध में श्रद्धालु एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि मंदिर के लिए रास्ता दी जाए और उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाए। इस घटना में श्रद्धालुओं में रोष देखा गया है। इस समय भगवान श्री गणेश विराजमान हैं। अभी गणेश जी की आराधना का समय चल रहा है और ऐसे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ज्ञापन के बाद प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो युवाओं ने जो दो ज्ञापन दिए हैं, दोनों चीजें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के भावनाओं का ठेस पहुंचाया गया है और दूसरा जो निर्माण कार्य से संबंधित है, जो मुख्य मार्ग है, जो मंदिर का रास्ता है, उसको बंद किया गया है, उसको पुनः खुलवाया जाए। आप लोगों ने सीधी भी इसका पेश किया है। इसका जो है प्रथमतः हम अपने कलेक्टर महोदय का अवलोकन के लिए रखेंगे और उनका जो भी निर्देश होगा तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। थैंक यू। ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? कटरा बाजार में जो गणेश मंदिर है वहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त दुकानों की बगल से गणेश मंदिर के लिए रास्ता दिया गया है, जिसको सीएमओ द्वारा बंद किया जा रहा है। ठेकेदार के माध्यम से सीएमओ के निर्देश पर बंद किया जा रहा है। आज वहाँ पर जो मोहल्लेवासी और भक्तगण गए हैं तो उन्होंने जब इस बात को लेकर बात की कि आप रास्ता खुल के रखिए, तो उन लोगों के साथ अभद्रता की है एवं ठेकेदार के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा फावड़ा लेके भक्तजनों के ऊपर मारने के लिए दौड़े हैं। ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार का? ललित अहरवाल। आपने इस चीज़ की शिकायत की कोतवाली में? नहीं, कोतवाली में शिकायत के लिए गए हैं। बाकी ये है कि हम लोगों ने पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए और वहाँ पर जो घटना घटित हुई है उसका वीडियो बनाकर कलेक्टर महोदय को दिया है। अगर कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग वहाँ पर नगरपालिका सीओ मैडम थी। हाँ, नगरपालिका सीओ मैडम स्वयं उपस्थित थी और उनका अमला भी उपस्थित।